हे गाइस, क्या आप अपने विंडोज़ लैपटॉप ये सब के परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हो? फॉर एग्जांपल जैसे कि एक SSD आप इंसर्ट करोगे तो आपका जो परफॉर्मेंस होता है कैसे 10 times बूस्ट हो जाता है। सो आज के इस वीडियो में मैं बिना SSD के ऐसे कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो आपका पुराना लैपटॉप PC आपका परफॉर्मेंस फास्ट देगा। सो सबसे पहला ट्रिक है, देख सकते हो गाइस, इसमें दिखाया है मैंने, दिस PC में जाके आपको मैनेज पे जाके एक प्रॉपर्टी करके ऑप्शन आता है, सर्विसेज एंड एप्लीकेशन, उस पर ओपन करना है। तो गाइस देख लो ये पूरा प्रोसेस मैं जो कर रहा हूँ, उस पर सर्विसेज एंड एप्लीकेशन पे क्लिक करके आपको सर्विसेज पे क्लिक करना है। उसको क्लिक करोगे तो आपको एक नीचे स्क्रॉल डाउन करके विंडोज़ अपडेट का ऑप्शन आएगा। सो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं इधर फर्स्ट ट्रिक में, विंडोज़ का जो ऑटोमेटिकली अपडेट होता है बैकग्राउंड में, जो हमारा पूरे टाइम डेटा खाता है और जिसकी वजह से हमारा पूरा डेटा का आधा पोर्शन, फॉर एग्जांपल मेरे को अभी कुछ सर्फिंग करना है इंटरनेट पे, तो मोस्ट ऑफ मेरा डेटा वो विंडोज़ का अपडेट बैकग्राउंड में खींच लेगा। तो देख सकते हो गाइस इस तरीके से ऑप्शन है, उसको मैंने पहले से डिसेबल करके रखा है, लेकिन फिर भी ये कभी भी अपने आप जैसे ही डेटा इसको मिलता है वैसे ही बैकग्राउंड में ये कनेक्ट हो जाता है और साथ ही साथ अपने विंडोज़ का अपडेट को करना चालू कर देता है। सो इससे क्या होता है, हमारा जो डेटा रहता है वो पूरा यही खींच लेता है और साथ ही साथ हमारा जो परफॉर्मेंस होता है PC का वो लैग होता है। तो जितना अच्छा होगा उतना जल्दी आप इसको बंद कर दो तो वही ज़्यादा फायदा है। तो गाइस देख सकते हो, आपको मैं सबसे पहले जाके होम में दिखा देता हूँ कि जो मेरा विंडोज़ का अपडेट है वो मैंने बंद कर दिया है। सो इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है। सो गाइस जो नीचे रीट्राई का बटन दिखा रहा है उसको डेफिनेटली आप कभी मत दबाना, और साथ ही साथ ये जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि दिस PC पे जाके मैनेज पे जाके बाद में आपको सर्विसेज एंड एप्लीकेशन का एक फोल्डर आएगा, उस पर क्लिक करके आपको सर्विसेज में जाके नीचे स्क्रॉल डाउन करके अपडेट आएगा। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम ओपन करोगे आपके पुराने लैपटॉप या PC को तो सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करके देख लेना, और साथ ही साथ अपने अपडेट में जाके आप चेक कर लेना। तो विंडोज़ 7 में तो ऑप्शन आता है आप उसको डिसेबल कर सकते हो, लेकिन विंडोज़ 10 में नहीं है, तो हम लोग ने एक इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। सो चलते हैं अभी दूसरे ट्रिक के ऊपर। सो गाइस देख सकते हो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ एंटीवायरस, जैसे कि अभी मेरे पास मेरा PC पुराना है और जो मेरे को पहले एंटीवायरस मिला था वो एक्सपायर भी हो गया, और साथ ही साथ जो एंटीवायरस होता है बहुत हैवी होता है और ये पूरे टाइम बैकग्राउंड में रन करता है, पूरे टाइम कुछ ना कुछ पैच करने की ट्राई करता है, कुछ एरर मिल जाए। तो एंड्रॉयड के सिनेरियो में कैसा होता है गाइस कि जो क्लीन मास्टर ये सब एप्लीकेशन होते हैं वो खुद ही एक वायरस होते हैं। सो यहाँ पे कुछ अलग है सिनेरियो, जैसे कि ये पेड वर्जन होता है, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स होते हैं एंटीवायरस के जो पैसे के बहुत महंगे आते हैं। सो अगर आपका पुराना लैपटॉप है आपके अभी भी एंटीवायरस है, आपको बोल रहे हैं कि वो परचेस करो उसको, तो डेफिनेटली आप उसको अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि वैसे वो आपका पूरे टाइम बैकग्राउंड में चालू रहेगा और साथ ही साथ आपका पूरा परफॉर्मेंस का यूज़ करेगा। सो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप जो भी अननेसेसरी एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन को भी डिलीट कर दो, जैसे कि आपका जो भी रहेगा एंटीवायरस। सो गाइस उसके बाद देख सकते हो जो भी मेरा ये टाइल्स दिखा रहा है उसका वो डेटा खाते रहते हैं पूरे टाइम और अपने आप हिलते रहते हैं। सो उसका एनिमेशन को टाइल को मैं ऑफ करके दिखा रहा हूँ आपको। सो मैंने पहले ही ऑफ कर दिया, तो पहले ये देख सकते हो आप मोर पे जाओगे, उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा कि टाइल को ऑन ऑफ कर सकते हो आप। सो जैसे कि अभी मैंने पहले से मेरा ऑफ था तो मैं ऑन करके फिर से आपको ऑफ करके दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली होता है क्या कि आपका परफॉर्मेंस मतलब यहाँ के पार्ट पे आपका डेटा जाएगा नहीं और इसको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इससे भी आपका परफॉर्मेंस थोड़ा बूस्ट हो जाएगा, विंडोज़ का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा। सो ये भी एक ट्रिक आप कर सकते हो। सो बेसिकली मैंने ये लैपटॉप लिया था 1 साल पहले, इसको मैंने कुछ यूज़ नहीं किया था, और क्योंकि जैसे कि मेरे पास वाईफाई नहीं तो मैं मेरा हॉटस्पॉट को देके करता था, तो पूरे टाइम जब भी हॉटस्पॉट देता था मैं 10 मिनट के अंदर बंद हो जाता था मेरा, मतलब मेरे को आता था मैसेज कि इतना यूज़ हो गया, इतना कंज्यूम हो गया। सो इसके लिए मैंने यूज़ नहीं किया, बाद में मैंने सब रिसर्च किया, उसके बाद मेरे को मालूम पड़ा कि इस तरीके से मैं अपना परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता हूँ, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना देता हूँ। सो गाइस देख सकते हो अभी एक एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ मैं, जिसका नाम है टेराकॉपी। सो बेसिकली टेराकॉपी एक ऐसा एप्लीकेशन है, अगर आप अपने फाइल्स को एक जगह से कॉपी पेस्ट करते रहते हो, पेन ड्राइव में डालते हो, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो इसको। इससे क्या होता है आपका कॉपी और पेस्ट बहुत फास्ट हो जाएगा और आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। सो गाइस देख सकते हो मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ लाइव कैसे करके एक फाइल को कॉपी करके एक दूसरे फोल्डर में कॉपी करूँगा मैं। तो मेरे को दो ऑप्शन आएगा कि टेराकॉपी से करूँ कि एक्सप्लोरर से करूँ, तो मैं उसमें सिलेक्ट कर लूँगा टेराकॉपी। सो मैंने अभी जो रिकॉर्ड किया है इसके ऊपर है, तो फिलहाल मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ, तो उसमें मैंने जो फाइल सिलेक्ट किया वो बराबर फाइल नहीं था तो एरर आ गया। तो बहुत सिंपल है, इसके ऊपर आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, नहीं तो आपको बहुत सारे वीडियोज़ देख सकते हैं यूट्यूब पर, वहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएगा इस एप्लीकेशन के बारे में। सो ये भी अच्छा एप्लीकेशन है, क्योंकि इससे क्या होगा बेसिकली आप ट्रांसफ़र करोगे फाइल तो आपका फास्टली हो जाएगा काम डन, तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इसको 1 साल पहले लिया था और इंटेल का i3 7th generation प्रोसेसर है इसमें। सो प्रोसेसर अच्छा है, लेकिन इसमें 4 GB रैम था और साथ ही साथ जो मेरा एंटीवायरस था पूरा कितना सारा रैम यूज़ करता था, इसके लिए मैंने उसके डिलीट कर दिया, वही अच्छा था, क्योंकि विंडोज़ का जो विंडोज़ डिफेंडर करके ऑप्शन मिलते हैं हमें
वो भी बहुत अच्छा है। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने गलत फाइल सिलेक्ट किया, इसके लिए मेरे को एरर आ गया। सो उसके रिगार्डिंग आपको मैंने बताया कि आप देख सकते हो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल यूट्यूब पे, और साथ ही साथ जो ये आइकन है एरो वाला, उस आइकन को आप क्लिक करके हमेशा देख लेना कि आपका कौन से एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस मेरा एक स्क्रीन रिकॉर्डर रन हो रहा है, सो उसको मैं उधर से ऑफ करूँगा तो मेरा रैम ये सब यूसेज बच जाएगा। और आप अपने टास्क मैनेजर को ओपन करके भी चेक कर सकते हो कौन से एप्लीकेशन आपका खा रहा है, और रिफ्रेश भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर। सो गाइस अभी मैं इंटेल का प्रोसेसर है इसके अंदर, तो इंटेल खुद ब खुद एक इंटेल HD ग्राफिक्स कंट्रोल पैनल देता है। उसको ओपन करके आप डिस्प्ले पे जाओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप अपने डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट होता है, जैसे कि 60Hz है मेरा, उसको मैं 40Hz कर सकता हूँ। बेसिकली इससे क्या होगा, जो मेरा बैटरी है वो बचेगा, क्योंकि अभी मेरे को बहुत सारी जगह पे लैपटॉप लेके जाना रहता है तो मेरी बैटरी बहुत कम है, कुछ 2700mAh है। तो इससे क्या होता है कि बहुत जल्दी मेरा बैटरी ख़त्म हो जाता है। सो अगर आप उसको 40Hz कर दोगे और सेटिंग्स को अप्लाई कर दोगे तो आपका जो रिफ्रेश रेट है उससे परफॉर्मेंस पे ज़्यादा इंप्रूवमेंट मेरे को नहीं लगता होता है, क्योंकि मेरे को बैटरी बचाना है। तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस उतना ही रहेगा और आपका बैटरी भी थोड़ा सेव होगा। सो आपके ऊपर है आपको करना है कि नहीं करना है ये सेटिंग। तो मैंने तो किया, मेरे को अच्छा लगा। सो गाइस दिखा देता हूँ, जैसे कि आपको मैं नॉर्मली एक सर्फिंग करके दिखा रहा हूँ, यूट्यूब ओपन कर रहा हूँ, देख सकते हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा मैंने 60Hz पे था वैसे मेरा 40Hz पे भी है, तो देख सकते हो इस तरीके से फटाक से लोड हो गया यूट्यूब मेरे बैकग्राउंड में क्रोम में। सो ये सब सेटिंग्स बहुत कमाल की ट्रिक्स है, और इसके थ्रू जो मेरा पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था विंडोज़ का बहुत अच्छा इंप्रूव हो गया। सो गाइस अब चलते हैं, देख सकते हो बैटरी का जो आइकन है मैंने एकदम बैटरी सेवर मोड पे रखा है, और जब मेरे को परफॉर्मेंस चाहिए था, मैं कुछ एडिटिंग करता हूँ, कुछ रिकॉर्डिंग करता हूँ, जिसमें मेरे को लगता है कि मेरे PC का परफॉर्मेंस चाहिए लैपटॉप का, तो उसमें बेसिकली मैं बेस्ट परफॉर्मेंस पे कर देता हूँ। और ये टेक्निक सच में वर्क करती है, आप कभी डेफिनेटली ट्राई करना। अब भाई जिसके पास कंप्यूटर है वो तो नहीं कर सकते, लेकिन जिनके पास लैपटॉप है डेफिनेटली आप यूज़ करो, बहुत अच्छे ट्रिक है। और साथ ही साथ ऑटो ब्राइटनेस को नहीं यूज़ करना है हमें, और इसको आप मैनुअली सिलेक्ट करना, वही ज़्यादा अच्छा पड़ता है। और जितने भी आपको आइकन्स के ऑप्शन है, जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ, वो सभी मैं प्रीफर करता हूँ कि आप मैनुअली सिलेक्ट करो, क्योंकि आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिक करेगा तो उससे क्या होगा, बैटरी भी खाएगा और कभी भी वो ओपन होते रहते हैं जो भी आपके आइकन्स होते हैं। जैसे कि देख सकते हो गाइस यहाँ पे वाईफाई, उसको भी मैंने मैनुअल रखा है। और चाहिए तो आप एयरप्लेन मोड को हमेशा ऑन करके रखो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और साथ ही साथ आपका डेटा ये सब भी कहीं ना कहीं बचेगा। तो मैं मोस्ट ऑफ टाइम एयरप्लेन मोड को भी ऑफ कर देता हूँ, उससे मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ अच्छा फ़ायदा होता है, क्योंकि मेरा एक्सेस नहीं होता दूसरों को बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि इसके लिए मैं उसको पूरे टाइम ऑफ रखता हूँ। तो गाइस इस तरीके से मैंने ये सब किया, जिसके बाद मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा हो गया। सो मेरे को यही सब बताना था आपको। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का आइकन दबा दीजिए, और ऐसी अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए प्रेस द बेल आइकन। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।